क्राइम ब्रांच टीम व फूलपुर पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी आर के भारद्वाज ने बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि फूलपुर थाना अंतर्गत इनामिया धर्मेंद्र अपने साथियों के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए रमईपुर मंगारी मोड़ पर है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच फूलपुर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां खड़े युवक पुलिस टीम को देखकर भागने लगे। वहीं उनमें से एक बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग भी की। पुलिस टीम ने बल प्रयोग करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्तों के पास से 2 तमंचा 12 बोर, 5 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर, 1 अदद तमंचा 315 बोर व 1 खोखा 1 जिंदा कारतूस 315 बोर, 18,000 रुपए नगद बरामद किया गया है। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वे चोरी लूट डकैती करके ही जीविकोपार्जन करते हैं व कस्बे के बाहर पन्नी डालकर रहने लगते हैं और दिन भर पन्नी बीनते समय एकांत घर की रेकी करते हैं और मौका देखकर चोरी डकैती की घटना को अंजाम देते हैं। बनारस पुलिस के द्वारा अपराधियों के विरुद्ध अभियान लगातार चलाया जा रहा है। आज एक रात में मुठभेड़ हुई, क्रॉस फायरिंग हुई, जिसके अंदर में एक 50,000 रुपये का इनामिया भी पकड़ा गया है। यह 50,000 रुपये का इनामिया धर्मेंद्र नट है, जो कि वर्ष 2012 में फूलपुर थाना क्षेत्र में एक डकैती हुई थी और जिसमें एक महिला की हत्या भी हो गई थी, उसके अंदर में वांटेड था। ये लगातार फरार चल रहा था और अपना नाम और पता बदल बदल कर ये फरार था। इन लोगों का एक पूरा गैंग है, जो कि नाम पता छुपाकर पूर्वांचल और बिहार के अंदर में इंटरस्टेट गैंग है, जो लगातार घटनाएं करता रहा है। पिछले जब पूछताछ में इनसे पता चला, इन्होंने कई घटनाएं बलिया, गाजीपुर, बनारस, बिहार, चंदौली जनपदों में की हैं और घटना करने के बाद में ये लोग फरार हो जाते हैं। मोडस ऑपरेंडी इनका ये है कि ये उस एरिया के अंदर में एक डेरा डालकर रहते हैं और वहाँ पर लोकली रेकी करते हैं और रेकी करने के बाद में फिर घटना करते हैं। जब डेरा डालते हैं तो वो सामान उठाना, लोहे का काम, कुछ काम, छोटे मोटे काम करते हैं, जिसको कि लोकल लोगों को भी ऑब्जेक्शन नहीं होता, क्योंकि उनको चीप में सामान मिल जाता है। कल रात को जब पुलिस क्राइम ब्रांच खास के इसमें इनामियों में लगातार अपने मुखबिरी कर रही थी, इनको सूचना मिली कि थाना फूलपुर क्षेत्र के अंदर में कुछ बदमाश टहल रहे हैं। जब इन्होंने उनको ललकारा तो उन्होंने फायरिंग की और उसी क्रॉस फायरिंग के अंदर में 5 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से एक 50,000 रुपये का इनामी है, जो वर्ष 2012 से वांटेड थे। क्या क्या बरामद हुए हैं सर इनके पास? इनके पास से तमंचे, रुपए और मोबाइल बरामद हुए हैं। मैदागंज क्षेत्र में खुदाई के चलते सीवर जाम की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसका नतीजा ये हुआ कि मैदागंज चौराहे पर भयंकर जल जमाव हो गया है। पूरे क्षेत्र में सीवर का गंदा पानी बह रहा है, जिससे राहगीरों क्षेत्रीय लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। वहीं क्षेत्र की दुकानों में भी पानी भर गया है। इस समस्या से क्षुब्ध होकर क्षेत्रीय नागरिकों व दुकानदारों ने क्षेत्र में प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि आए दिन बेतरतीब तरीके से खुदाई कर दी जाती है और इसका नतीजा हमें भुगतना पड़ता है। दुकानदारों ने बताया कि दुकानों में सीवर का गंदा पानी घुस जाने से काफी सामानों का नुकसान हुआ है। उन्होंने प्रदर्शन करते हुए समस्या से जल्द निजात दिलाने की मांग की। ये जब से सीवर का समस्या आया हुआ है बनारस में, जो जगह जगह पर गड्ढा किया जा रहा है, इस वजह से सीवर के लेके बहुत सारी परेशानी पब्लिक को झेलना पड़ जा रहा है और इसके वजह से कई कटरा में दुकानदारों के भी विषय में पानी कैसे चला जा रहा है और सर सागर अंडरग्राउंड में भी पानी चला जा रहा है। ये भैरवनाथ में कुछ खुदैया हो रही है, जिसके वजह से वहाँ से सीवर जाम हो गया है और उसके वजह से पूरी क्षेत्रीय जनता आज रोड पर उतर के धरना प्रदर्शन की है। मंगलवार को जिला मुख्यालय गेट पर वाराणसी स्वर्णकार व्यापार मंडल के सदस्यों ने धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन कर रहे किशन कुमार सेठ ने बताया कि लगातार एक महीने से वरुणापार जोन क्षेत्र में सिर्फ स्वर्णकार समाज के लोगों को ही चोरों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। स्वर्णकार बंधुओं के यहाँ कई चोरी की घटनाएं हुई, लेकिन अभी तक पुलिस को चोरों का कोई सुराग नहीं मिला, न ही कोई खुलासा हुआ, जिसे लेकर हम स्वर्णकार समाज में पुलिस के खिलाफ काफी आक्रोश है और इन्हीं सब मामलों को लेकर हम लोगों ने
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन दिया, जिसमें दो सूत्री मांग हम लोगों ने की है। इस मौके पर जितेंद्र सेठ, ब्रजेश सेठ, मुरारी लाल, लक्ष्मण सेठ सहित बड़ी संख्या में स्वर्णकार मौजूद रहे। विगत महीनों से वरुणा इस पार में स्वर्ण व्यवसायियों के यहाँ दर्जनों चोरियाँ हुई है। आज भोर में हमारे उपाध्यक्ष के यहाँ आयर बाजार में भीषण चोरी हुई है। प्रशासन के द्वारा बस आश्वासन दिया जाता है, लगातार हम लोग प्रशासन के संपर्क में रहे हैं और उनके द्वारा आश्वासन बस दिया गया है। आज हम लोग जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और SSP महोदय से तीन सूत्री मांग सौंपा जाएगा। अगर उन मांग का खुलासा नहीं हुआ तो हम लोग बहुत जल्द हमारा प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिल के और यहाँ के जो प्रशासन को चेताने काम करेगा और उग्र आंदोलन करने का काम करेगा। महमूरगंज शिवराजनगर कॉलोनी निवासी विवाहिता सिमरनजीत कौर भेलूपुर थाने में तहरीर देने पहुंची। इस दौरान सिमरनजीत कौर ने बताया कि उसका विवाह 12 वर्ष पूर्व हुआ था और उनके दो बच्चे भी हैं। उन्होंने बताया कि ससुराल वाले आए दिन उनके साथ मारपीट करते हैं। सोमवार को भी उन्होंने जब सास से पैसे मांगे तो सास ने उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया। महिला ने बताया कि ससुराल वाले उन्हें व उनके बच्चों को धमकी भी दे रहे हैं। महिमालया ने आरोप लगाया कि उसके पति का किसी और से प्रेम संबंध भी है। शिवराज नगर कॉलोनी महमूरगंज में रहते हैं और मेरी शादी को 12 साल हो चुके हैं। जब से शादी हुई हमको परेशान कर रहे हैं ये लोग। मेरे दो बच्चे हैं, एक 11 साल की बेटी है और 5.5 साल का बेटा है। और ये लोग कल हमने जब बोला कि आप डेली का खर्चा दे दिया करो, सब्जी उब्जी का 100 रुपये 200 रुपये, तो सारे परिवार मिलके हमको लगाए मारने पीटने और उसके बाद हमको धमकी दे रहे हैं कि तुम अगर कंप्लेन करने घर से बाहर निकलोगी तो तुमको घर में वापस नहीं घुसने देंगे। हम कंप्लेन करने के लिए बाहर निकले हैं, मम्मी को हमने अपने बच्चों के पास छोड़ा था तो ये लोग पीछे से लाइट काट दिए हैं और इन्वर्टर उठा के ले गए हैं। और मेरे छोटे वाले बेटे को अपने पास रखा हुआ है इन्होंने, अभी तक वो वापस नहीं आया है। कि रात को आया था मेरे पास, वो डर रहा था, लाइट नहीं थी तो हमने बोला ठीक है दादी के पास सो जाओ। तो ये लोग ऐसे अब मेरे बच्चों को भी धमका रहे हैं कि मम्मी के पास जाओगे तो तुम्हें लाइट नहीं मिलेगी, तुम्हें स्कूल नहीं जाने को मिलेगा, तुम्हें कपड़े नहीं मिलेंगे, तुम्हें टॉयज नहीं मिलेंगे। और इनकी गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री है मेरे ससुराल वालों की, वहाँ पे कम से कम 100 कारीगर ये लोग रखे हुए हैं। ठठेरी बाजार चौक में 4 दुकानें हैं गोल्ड रिटेल और होलसेल की, ज्वेलरी की ये इनकी शॉप्स हैं। अरबपति खरबपति लोग हैं ये लोग और इनको डेली का सब्जी के लिए पैसा निकालना भी बहुत महंगा पड़ रहा है। तो इनको जो है लड़कों की शादी जो है वो सोच समझ के करनी चाहिए। इनके परिवार वालों में दो ऐसे केस और भी हुए हैं। एक प्रेग्नेंट लड़की को इन्होंने निकाला है घर से बाहर, उनकी 1.5 साल की बेटी है जिसको वो लोग अंदर नहीं घुसा रहे हैं। अब इनकी स्टेटमेंट ये है कि मेरे बेटे को तुम पसंद नहीं हो, उसको भी यही कह रहे हैं कि मेरे बेटे को तुम पसंद नहीं हो। आज आप थाने पे क्या दिए? आज हम थाने पे इसलिए आए हैं कि एटलीस्ट जो नेसेसिटी जो है ना, घर में बिजली पानी भी नहीं है मेरे पास और ये कोई खर्चा नहीं देते हैं खाने पीने का, राशन पानी का। एटलीस्ट जो बेसिक नेसेसिटी है वो इनको इनके ऊपर प्रेशराइज करके बच्चों का इनको डेली का डेली उनको चाहिए कुछ भी जो भी ये लोग तय करें। ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? ऐसा ये लोग कर रहे हैं क्योंकि 5 साल से मेरे हस्बैंड का अफेयर चल रहा है और मेरी फैमिली सपोर्ट कर रही है, कहती है हमको मेरी फैमिली आराम से बिठा के कि आप बेटे यंग हो, आप बाहर जाके दूसरी शादी कर लो, बच्चों को हम संभाल लेंगे, 1-2 साल में बच्चे आपको भूल जाएंगे, आप चले जाओ छोड़ के। उसके बाद कहते हैं कि अगर आपको लेके जाना है तो आप लेके चले जाओ, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ के चले जाओ, लेके जाना लेके चले जाओ, मेरे बेटे को आपके साथ रहना नहीं। और जो मेरे जेठ ससुर हैं उनके घर में भी सेम केस है, उसकी 1.5 साल की बेटी हुई है बहू को तो अपने मायके में रह रही है 2 साल से और उसको कहते हैं कि मेरे बेटे को तुम पसंद नहीं हो, बेटा तुम यंग हो, तुम दूसरी शादी कर लो, बच्चे को हम लोग रख लेंगे, यही इनका स्टेटमेंट है सारे परिवार का। इस बाबत महिला की सास परवीन कौर ने बताया कि जब से शादी हुई है तब से उनकी बहू परिवार को परेशान करती है। उनका आरोप था कि बहू ने उन्हें मारा पीटा व उनके साथ गाली गलौज की। परवीन कौर ने बताया कि उन्होंने पुलिस को सूचना दी तथा मेडिकल कराया है। मेरी बहू जो है जब से उसकी शादी हुई है हम लोग को बहुत परेशान करती है, रोज लड़ाई झगड़ा मार पीट, ज़्यादा पढ़ी लिखी ज़्यादा है, हम लोग थोड़ा नॉर्मल तरीके के आदमी हैं और हम लोग को बहुत परेशान करती है। उसको पढ़ाई का बहुत घमंड है, जो भी है जब भी मतलब रोज रात। अभी कल की क्या घटना घटी? कल की घटना मैं अपने पूजा रूम में पूजा कर रही थी, वो कमरे में आई है, मुझे बोली है कि मुझे पैसे दे दो, पैसे की मांग करने लगी मुझे। मैंने कहा कि मेरे से क्यों पैसे मांग रही हो, जाके अपने पति से पैसे मांगो, मैं क्यों तुमको पैसे दूंगी, मैं कहाँ से दूंगी तुमको पैसे, जाके अपने पति से पैसे मांगो जाके। तो इसी पे वो मुझे गालियाँ देने लगी और आके मुझे उसने बाल पकड़ के खींच खींच के मारा है, ये सब। तो इसकी शिकायत आप पुलिस को दी? जी, हमने पुलिस मेडिकल भी करवाया, मेडिकल कराया है, सब पुलिस में दिया है, तो हुआ है।
मंगलवार को लंका क्षेत्र के ठेला पटरी व्यवसायियों ने अपने परिवार के संग लंका क्षेत्र में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के नाम पर हम गरीबों की दुकानें प्रशासन द्वारा उजाड़ी जा रही हैं। इन्हीं दुकानों के सहारे हमारा व हमारे परिवार का भरण पोषण होता है। दुकानें हटाए जाने से हमारे समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सबका साथ सबका विकास की बात कही जाती है। हम व्यवसायियों से ये वादा भी किया गया था कि हमें दुकानें लगाने के लिए स्थान आवंटित किया जाएगा, उससे पहले दुकानें नहीं हटाए जाएंगी, परंतु प्रशासन ने अतिक्रमण अभियान चलाकर हम सभी की दुकानें ध्वस्त कर दी हैं। विरोध स्वरूप व्यवसायियों ने कहा कि वे अब अवश्य दुकानें लगाएंगे, चाहे इसके लिए प्रशासन उन पर कितनी भी कठोर कार्रवाई करे। इस दौरान बड़ी संख्या में व्यवसायी व उनके परिवारी जन मौजूद रहे। हमारा ये है कि सर, ये बनारस की प्रशासन जो है जाम का कारण दिखा करके और बनारस में आए दिन पटरी दुकानदारों को उजाड़ रही है। जाम का वास्तविकता कारण है कि हर चौराहे पर दो दो तीन तीन लाइन ऑटो लगा करके और जाम किया जाता है और कड़ी से कड़ी अवैध वसूली हो रही है। जाम का कारण वो उनको नहीं दिखाई देती है और जाम का कारण दिखाकर हम लोग बीओटी बाउंड्री से सटे 4 फुट में दुकान लगा रहे हैं, जिसे कोई यातायात बाधित नहीं है। उसको प्रशासन 23 तारीख को बर्बरता के साथ सारे दुकानों के सामान नष्ट करके उठा ले गए और हम लोग को हटा दिए। मंगलवार को लक्ष्मी हॉस्पिटल एवं श्रीमती इश्रावती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संकट मोचन मंदिर व उसके समीप स्थित कुष्ठ आश्रम में जरूरतमंदों में कंबल वितरित किया गया। लक्ष्मी हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार राय के नेतृत्व में भीषण ठंड में गरीबों एवं असहायों के बीच कंबल वितरित हुआ। डॉक्टर अशोक कुमार राय ने कहा कि जरूरतमंदों में कंबल वितरित कर हम सभी को एक सुखद अनुभूति होती है और प्रत्येक वर्ष हम गरीबों में कंबल व गर्म कपड़े वितरित कर अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। उन्होंने अन्य सामाजिक संगठनों का भी आह्वान किया कि वे भी आगे आएं और इस पुनीत कार्य के भागी बने। इस अवसर पर हॉस्पिटल की निदेशिका रागिनी राय, छोटेलाल यादव, डॉक्टर अतुल राय सहित हॉस्पिटल के मेडिकल व पैरामेडिकल स्टाफ उपस्थित रहे। बहुत जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है इस समय पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, उसी को देखते हुए यहाँ संकट मोचन स्थित कुछ आश्रम में हर वर्षों की भांति जो है कंबल का वितरण किया गया। और जो है संकट मोचन के जो बगल में आज मंगलवार का दिन है, काफ़ी ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको कंबल की ज़रूरत है, उनके में भी वितरण किया गया। हर वर्ष हम लोग लगातार जो है दो दो चार चार दिन गैप करके और सामग्री जुटा करके उनको उन्हीं वस्त्र और कंबल वितरण करते हैं। और ये भी आप लोग के माध्यम से अपने काशीवासियों से अनुरोध करते हैं कि और भी संस्थाएं आगे आएं और ज़रूरतमंद लोगों का ठंड से जो है होने वाली जो दिक्कतें हैं, ठंड से मौत हो रही है, उसके लिए आगे आकर के कंबल का उन्हीं वस्त्र का वितरण करें। इस कड़ाके की ठंड में जरूरतमंद लोगों को कंबल बांट कर हमें बहुत ही अच्छा लगा। कोतवाली थाना अंतर्गत दलहट्टा सेवा चौधरी गली में राजू यादव का मकान है, जहां उनकी दो गायें खड़ी रहती हैं। विगत कुछ दिनों से दोनों गायों पर अज्ञात द्वारा तेजाब फेंक दिया जा रहा था। मंगलवार की भोर में भी पुनः ऐसी घटना हुई जिससे एक गाय झुलस गई। वहीं इस दौरान तेजाब फेंकते हुए राजू यादव की पत्नी पारो ने दो व्यक्तियों को देख लिया। पारो ने शोर मचाते हुए उन्हें पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन दोनों व्यक्ति फरार हो गए। इस बाबत राजू यादव कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि दोनों व्यक्ति क्षेत्र के ही हैं और वे आपसी विवाद के चलते ऐसा कर रहे हैं। ये आपका गाय है क्या? जी मेरा गाय है। क्या हुआ है, क्या दिखती है? ये 15 दिन से ऐसा हो रहा है। क्या हो रहा है? अरे यही कि मतलब उस पर कोई ऐसा चीज फेंक दे रहे हैं कि पूरा उसका शरीर खदर जा रहा है। तो मतलब आज हम लोग रात भर जागे हैं तो देखे हैं कि लेकर आए थे फेंकने ही के लिए, तो उसमें पकड़े गए, जब पकड़े तो छुड़ा कर भाग गए। तो कुछ फेंके भी है? हाँ फेंके, वहाँ पर गिरा हुआ था। तो गाय घायल हुई है? नहीं मतलब सगरे उसका खदर दिया है पूरा उसके उमर। क्या चीज फेंका है कुछ बताएं? अरे केमिकल है गुरुजी, कोनो केमिकल है, खदर देता पूरा शरीर। सारनाथ थाना क्षेत्र के लेढ़ूपुर स्थित फुटहवा नाला के पास सोमवार की रात रोडवेज बस की चपेट में आने से बाइक सवार 26 वर्षीय नरेश की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक बस लेकर फरार हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घटना से गुस्साई जनता ने सड़क जाम कर आवागमन बाधित कर दिया और मुआवजे की मांग करने लगी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जनता को समझा बुझाकर चक्का जाम समाप्त कराया। वहीं मृतक के भाई ने बताया कि नरेश घर से सब्जी लेने निकला था, इतने में रोडवेज की बस ने उसे कुचल दिया। कौन थे ये, कैसे दुर्घटना हो गई? ये हमारे भाई थे। क्या नाम था इनका, कितनी उम्र? नरेश चौहान।
कितनी उम्र? 32 सर। शादी शुदा थी? हाँ। कितने बच्चे? 3 बच्चे थे। घर से आ रहे थे, क्या घटना घटी? ये घर से आ रहे थे सब्जी उब्जी लेने के लिए लेड़ोपुर में, तो इधर से जा रहे थे तब रोडवेज बस से लड़े। कहाँ पे ये हादसा? लेड़ोपुर फुटावा नरे। क्या करते थे? राजगीर का मिस्त्री है। किस चीज से थे? गाड़ी से थे, 2 चक्के से। मंगलवार को भोजबीर तिराहे से अर्दली बाजार तक अतिक्रमण अभियान चलाया गया। इस दौरान दुकानदारों द्वारा अवैध कब्जे, नालियों पर बने फर्श को तोड़कर नालियों को मुक्त कराया गया। इस मौके पर पुलिस पीएससी के भारी संख्या में जवान मौजूद रहे। अतिक्रमण अभियान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पूरे शहर भर में 31 जनवरी तक चलाया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी एसपी ट्रैफिक सुरेश चंद्र रावत व एसीएम चतुर्थ नीता यादव को सौंपी गई है। अतिक्रमण को हटता देख अर्दली बाजार के सभी दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर रोड पर आ गए। भारी पुलिस बल के चलते अतिक्रमण अभियान दस्ते को किसी भी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। इस तरह का अतिक्रमण है कि जिस तरह इन्होंने सार्वजनिक नाला या सड़कों पर अतिक्रमण कर रखा है उनको हटाना है। बाकी ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए, क्योंकि ट्रैफिक जाम यहाँ बहुत लगता है, दोनों तरफ से गाड़ियाँ आती जाती हैं, लोगों ने काफ़ी हद तक सड़कों को घेर रखा था, नालों को पूछ कर रखा था, बस यातायात की सुगमता के लिए इन्फोर्समेंट हटाया जा रहा है। और मुझे लगता है जनता भी इसमें साथ दे रही है, क्योंकि व्यापार मंडल के महामंत्री भी यहीं खड़े हैं, उनको भी पता है कि ये सुविधा उनके लिए हो रही है, तो अभी तो जनता का सहयोग है। मकर संक्रांति पर्व अब नजदीक ही है, जिसके मद्देनजर शहर में रंग बिरंगी पतंगों व मंझे की दुकानें सज गई हैं और लोगों ने इनकी खरीदारी करना भी शुरू कर दिया है। लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ट्रंप, बुलेट ट्रेन आदि चित्रों वाली पतंगे खूब लुभा रही हैं। वहीं बच्चे कार्टून कैरेक्टर वाली पतंगे पसंद कर रहे हैं। इन पतंगों का मूल्य 2 रुपए से शुरू होकर लगभग 25 रुपए तक है। वहीं प्रशासन द्वारा चाइनीज मंझे पर प्रतिबंध होने से बाजार में देशी मंझे उपलब्ध हैं। दुकानदारों ने बताया कि प्रशासन द्वारा चाइनीज मंझों पर प्रतिबंध तो लगाया गया है, परंतु ग्राहकों का रुझान अभी भी इनकी ही तरफ है। ग्राहक चाइनीज मंझे की मांग कर रहे हैं, वहीं कुछ दुकानदार चोरी छिपे भी इनकी बिक्री कर रहे हैं। नहीं है धागे वाला, बरेली वाला चलेगा? बरेली वाले चलेगा, धागे वो वाला नहीं चलेगा। क्या रेट है बरेली वाले का? क्या वो एक रील का है, 150 का भी है, 200 का भी है, जैसा धागे वाला बन जाए वैसा दाम। आम जनता से क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहते हैं कि चाइना को बहिष्कार करें, क्योंकि जनता नहीं मान रही है। यही कहना चाहते हैं, जनता आ रही मांग रही है आप लोग, जनता ही परेशान ज़्यादा कर रही है। जनता को पहले सुधरना चाहिए, दुकानदार तो अपने आप ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। दुकानदार तो अभी नहीं बेच रहे। चाइना के धागा कर लेकर इंसान गाड़ी घोड़ा पर चल रहा है, उससे गर्दन कटी, कितने लोग इंसान उसमें जान दे रहे 6 साल पहले, तो हम लोग उसका तहे दिल से बहिष्कार करते हैं कि जो हमारा इंडिया का धागा है बरेली का वही चलेगा। आवाम से भी हमारी अपील है कि उस धागों को इस्तेमाल ही ना करें जो किसी का नुकसान हो। पराड़कर स्मृति भवन में काशी पत्रकार संघ व वाराणसी प्रेस क्लब के तत्वाधान में आनंद चंदोला खेल महोत्सव के अंतर्गत इंडोर गेम्स का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर आयुक्त डॉक्टर नितिन बंसल रहे। मुख्य अतिथि का स्वागत उन्हें अंगवस्त्रम व स्मृति चिन्ह प्रदान कर किया गया। खेल का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर शतरंज, टेबल टेनिस, कैरम आदि खेलों का आयोजन हुआ, जिसमें पत्रकारों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर सुभाष सिंह, अत्रि भारद्वाज, संजय, अनु श्रीवास्तव, शिवदेव नारायण राय सहित कई वरिष्ठ पत्रकार मौजूद रहे। अच्छा लगा कि आप लोग आपस में इस तरीके के कार्यक्रम कराते हैं, क्योंकि प्रतिस्पर्धा के दौर में हम बहुत सारी चीजें करते हैं और उस दौड़ में सारा दिन व्यस्त भी रहते हैं, उसमें अगर कुछ उससे इतर करने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है और आप लगातार 30 सालों से इसको कर रहे हैं, तो ये सराहनीय चीज है और इसको आगे भी जारी रखने के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के सदस्य एवं वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने चाइनीज मंझे के विरोध में प्रदर्शन किया। इस अवसर पर छात्राओं ने मकर संक्रांति को देखते हुए भाइयों मेरे याद रखना, चाइनीज मंझे का बहिष्कार करना आदि नारे के साथ एक स्वर में चाइनीज मंझे के खिलाफ इस मुहिम को बल देते हुए संकल्प लिया और साथ ही कहा कि हम अपने भाई और आस पड़ोस में चाइनीज मंझे का इस्तेमाल न करने की अपील करेंगे। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष मुकेश जैस ने कहा कि कोर्ट के आदेश एवं जिलाधिकारी के सख्त रवैये के बावजूद स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से
अभी भी चोरी चोरी चाइनीज मंजा बाजारों में बिक रहा है, जिससे राह चलने वालों को इसका दुष्परिणाम झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि संस्था का उद्देश्य किसी भी दुकानदार की रोजी रोटी या पेट पर लात मारना नहीं है, हमारा उद्देश्य केवल चाइनीज मंजे को बंद करना है ताकि इससे किसी की भी जान न जाए। इस अवसर पर मुख्य रूप से डॉक्टर मुक्ता पांडे, कमला प्रसाद सिंह, नितिन टंडन सहित सैकड़ों छात्राएं शामिल रही। जिस प्रकार से वाराणसी में जानलेवा चाइनीज मंजा रोज लोगों का गला काट रहा है और लोग रोज लोगों को घायल कर रहा है, उसी के खिलाफ आज हम लोग भैरवनाथ स्थित वल्लभ विद्यापीठ इंटर कॉलेज की छात्राओं द्वारा यह संकल्प लिया है कि वो अपने घरों पर जाकर अपने भाइयों को, आस पड़ोस के लोगों को यह सलाह दे कि वो चाइनीज मंजे का प्रयोग न करें। बीएचयू के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के व्याकरण विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन के दूसरे दिन का कार्यक्रम अखिल भारतीय विद्वत परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर जयशंकर लाल त्रिपाठी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस दौरान संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर अभिराम राजेंद्र मिश्र ने संस्कृत के ऐतिहासिक महत्व को व्यक्त करते हुए अजर अमर वाणी के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। इस अवसर पर प्रोफेसर प्रभावती चौधरी, आचार्य वेद प्रकाश मिश्र, डॉक्टर ब्रजभूषण ओझा आदि लोग उपस्थित रहे। ये मुख्य चर्चा पाणिनि के अष्टाध्यायी पर है। संपूर्ण विश्व में व्याकरण का पूर्ण प्रकाश, जिसमें कि हमारे जो लौकिक शब्द हैं, जो वैदिक शब्द हैं, दोनों को एक सुंदर दिशा देने का काम भगवान पाणिनि ने किया है, महर्षि पाणिनि ने, और उन्हीं को लेकर के ये सम्मेलन किया गया है कि हमारे विश्व की जितनी भाषाएं हैं उन भाषाओं में पाणिनि का, व्याकरण का कितना प्रभाव और कैसे है। उसके साथ साथ जितने भी हमारे शास्त्र हैं उन शास्त्रों में भी पाणिनि की क्या आवश्यकता है। वैसे हमारे यहाँ मान्यता है कि पाणिनि शास्त्र संपूर्ण शास्त्रों का जो है वो एक कारक है, और पाणिनि शास्त्र के पढ़ने से प्रत्येक शास्त्र में के अध्ययन करने का व्यक्ति अधिकारी बन जाता है। बीएचयू के विज्ञान संकाय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय चेयर द्वारा धर्मों के बीच एकात्मता की ऐतिहासिक धुरी विषयक व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उपस्थित अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद कुलगीत की प्रस्तुति की गई। इस अवसर पर उपस्थित वक्ताओं ने व्याख्यान के विषय पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी ने की। इस अवसर पर प्रोफेसर श्याम कार्तिक मिश्र, डॉक्टर भरत झुंझुनवाला, प्रोफेसर एस के मिश्रा आदि लोग उपस्थित रहे। इसी साल यह चेयर स्थापित हुई इस महाविद्यालय में, और इस चेयर की तरफ से पहला कार्यक्रम आयोजित है। इस कार्यक्रम में जो मुख्य वक्ता है वो भरत झुंझुनवाला है। भरत झुंझुनवाला जी आज अपना जो उद्बोधन देंगे वो धर्मों के बीच एकात्मता की ऐतिहासिक धुरी पर वो अपना लेक्चर देने जा रहे हैं। बीएचयू के संगीत एवं मंच कला संकाय द्वारा पंडित ओंकारनाथ ठाकुर प्रेक्षागृह में प्रोफेसर प्रदीप कुमार दीक्षित स्मृति संगीत सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बीएचयू से डॉक्टर ज्ञानेश चंद्र पांडे द्वारा शिवाकांत शंभो शशांकार्त मौली की प्रस्तुति की गई। इसके बाद शिवानी सोनकर ने प्रोफेसर प्रदीप दीक्षित पर तैयार वृत्त चित्र का प्रदर्शन किया। इस बीच दिल्ली विश्वविद्यालय से आए प्रोफेसर ओजेश ने राग मुल्तानी में विलंबित एकताल में पारंपरिक रचना की प्रस्तुति की। इस दौरान प्रोफेसर ऋत्विक सान्याल, प्रोफेसर शारदा वेलंकर, प्रोफेसर राजेश शाह आदि लोग उपस्थित रहे। मंगलवार को सिग्रा स्थित शहीद उद्यान में उत्तर प्रदेश विद्युत पेंशनर्स परिषद की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान विद्युत पेंशनर्स ने निशुल्क चिकित्सकीय सुविधा मुहैया कराए जाने पर विस्तार से चर्चा की। इसके साथ ही अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इस दौरान बीएन प्रधान, एके सिंह, अतिन गांगुली, शिवाजी सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। हर 9 तारीख को हम लोग विद्युत पेंशनर्स की बैठक होती है और हम अपनी समस्याओं पर विचार करते हैं, समस्याओं को लिख कर देते हैं,
ये नौ हम लोगों का सप्तम वेतन आयोग अभी राज्य विद्युत परिषद में लागू नहीं हुआ था, वो लागू हो गया। उस खुशी में भी हम लोग यहाँ बैठे हैं और उसको कैसे लागू कराया जाए, क्या दिक्कतें होंगी, क्योंकि 2.57 करके ट्रेजरी से मिल जाएगा लेकिन बकिया फिक्सेशन कराना पड़ेगा बाद में, तो उसकी भी विधा पर हम विचार करेंगे, उसको आगे काम। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए आम आदमी पार्टी के जिला प्रभारी आलोक त्रिपाठी ने बताया कि जिला कार्यकारिणी की बैठक में कार्यकारिणी सदस्यों ने सर्वसम्मति से मुकेश सिंह को जिला अध्यक्ष चुना है। इसके साथ ही जिला कोषाध्यक्ष प्रभा शंकर मेहता, जिला सह कोषाध्यक्ष दीपक मिश्रा सहित अन्य पदों पर पदाधिकारियों का चयन हुआ है। ये जो हमारी जिला टीम आदरणीय संजय भैया के निर्देश पे जो गठित हुई है जिला कार्यकारिणी के सहमत से, उसको लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि आप लोग को सूचना हो सके, जिले की टीम को, जिले के लोगों को सूचना हो सके कि हम आम आदमी पार्टी की जो वर्तमान पदाधिकारी हैं वो कौन कौन लोग हैं और आगे कैसे काम करेंगे। बदलाव क्यों किया जा रहा है? ये बदलाव समय समय पर होने की प्रक्रिया ही है। इसके पहले जो कार्यकारिणी काम कर रही थी उसमें कुछ फेरबदल हुए। आप देख रहे हैं के टीवी।